ओके गाइस वेलकम। सो आज मेरे पास एक कमेंट आई है राज राणा की, जो कि बोल रहे हैं कि भाई बैटरी ड्रेन हो रही है ना जल्दी। तो आज मैं इसी पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आज इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाला हूँ और उसको फिर फुल चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरी बैटरी 100% फुली चार्ज है। तो आज मैं इस पे कुछ अपना गेमिंग करूँगा थोड़ा बहुत, और जूम क्लासेस अटेंड करूँगा थोड़ा बहुत। इसको मिक्स्ड यूजेस की तरह यूज करूँगा और देखते हैं कि ये कितना बैकअप दे पाती है। ये मेरा परफॉर्मेंस, मैं इसको बेटर बैटरी पे है अभी, इसको मैं बेटर परफॉर्मेंस पे कर देता हूँ। ब्राइटनेस लेवल आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल 70% के आसपास है। और मैं अब इस पे कुछ वीडियो प्ले करूँगा, मेरे पुराने क्लासेस की वीडियो हैं जो कि मैं अभी इस पे अटेंड करने वाला हूँ। ओके सो अभी टाइम हो रहा है 1:45, और हमने जस्ट इसे अभी अनप्लग किया है पावर सोर्स से, और ये हमें 6 आवर्स एंड 23 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। तो अभी मैं इस पे कुछ वीडियो प्ले करूँगा और आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा कि किस टाइम में कितना इसका बैटरी बचा हुआ है। ओके सो स्टे ट्यून्ड। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. 3:17, और अभी बैटरी का परसेंटेज है 69%। सो मैंने अभी इस पे कुछ वीडियोस देखे हैं और अभी थोड़ी देर से मैं ये पीडीएफ पढ़ रहा हूँ। तो अब तक इसका बैटरी परसेंटेज 69% है। 3:30 से एक और मैं जूम की मीटिंग है उसको अटेंड करने वाला हूँ, और फिर आपको अपडेट देता हूँ कि इसका बैटरी लेवल क्या हुआ। ओके गाइस सो अभी टाइम हो रहा है 4:25, और मेरी जूम की क्लास एंड हो चुकी है, और अभी बैटरी लेवल है 46%। ओके अब मैं इस पे थोड़ी देर गेमिंग करने वाला हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ कि किस तरह का ये बैटरी परफॉर्मेंस गेमिंग के दौरान दे रहा है। और मैं भी इसके बैटरी परफॉर्मेंस को बेस्ट पे कर देता हूँ ताकि मुझे गेमिंग के दौरान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इससे। ओके गाइस तो अभी मुझे गेमिंग करते हुए लगभग 25 से 30 मिनट होने वाले हैं, और टाइम अभी हो रहा है 4:48, यानी लगभग 25 मिनट होने वाले हैं। मेरा गेम अभी भी रन हो रहा है और अचानक से मुझे बैटरी लो की मैसेज आती है। ओके सो अभी बैटरी का परसेंटेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये 19% पे अभी है, और ये ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर मोड में चला गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर इस पे ब्राउजिंग वगैरह करूँगा, और मैं देखता हूँ कि और कितनी देर ये चल सकता है। ओके गाइस सो अभी टाइम हो चुका है 5:15, और ये लैपटॉप ऑफ हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है ये फुल्ली, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके देखते हैं वापस से। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली। मैं काफी देर तक होल्ड किए हुए हूँ पावर बटन को, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको चार्ज करने वाला हूँ।
थोड़ी देर बाद मैं इसे चार्ज पे लगाने वाला हूँ। अराउंड 5:30 के आसपास मैं इसे चार्ज पे लगाऊंगा। फिर देखते हैं कितना टाइम लेता है फुल्ली चार्ज होने में। ओके ओके गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 6:25 और मैं कुछ काम से बाहर चला गया था, इसलिए अब मैं इसे चार्ज पे लगाने वाला हूँ। 6:25 पे मैं इसे चार्ज पे लगा रहा हूँ। 0% पे ये अभी है और देखते हैं कि ये फुल चार्ज होने में कितना वक्त लेता है। ओके गाइस, सो अभी टाइम हो रहे हैं 9 बज चुके हैं रात के और ये जो लैपटॉप है ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते होंगे फुल्ली चार्ज होने के बाद ये ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। या ये 100% चार्ज होने में अभी 10 से 15 मिनट और लेगा। सो ये अराउंड 2.5 से 3 घंटा ले लेता है फुल्ली चार्ज होने में। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है एक लैपटॉप को फुल चार्ज होने में। सो ये था इसका ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट। थैंक यू।